नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करते हैं अपनी सीफेरर्स प्रोफाइल में पासपोर्ट की डिटेल को कैसे ऐड करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सिप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल ओपन करना है, टाइप करना है डीजी शिपिंग। तो जो पहला वेबसाइट आएगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, इस पे आपको क्लिक करना है। यही ऑफिशियल वेबसाइट है डीजी शिपिंग की। ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई है। यहाँ पे काफ़ी स्लो ओपन होती है वेबसाइट, क्योंकि ये डीजी शिपिंग की जो साइट है ये बहुत बिजी चलती है, तो ये धीरे धीरे ओपन होगी कम्प्लीटली। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ऊपर देख सकते हैं आप शिपिंग नोटिस, शिपिंग, सीफेरर्स, मैरीटाइम ट्रेनिंग, ई गवर्नेंस, ई लर्निंग, एग्जिट एग्जाम। तो आपको सिंपली ई गवर्नेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा, इसमें आपका इंडोस नंबर और आपका इंडोस का पासवर्ड डालना है, तो ये आगे साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लॉगिन किया है मैंने। इसके बाद में आप देख सकते हैं ऊपर मेरा नाम आ गया है यहाँ पे, और ये प्रोफाइल खुल गई है यहाँ पे। तो आपको यहाँ सिंपली क्लिक करना है अपडेट सीफेरर्स प्रोफाइल, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे ही सीफेरर्स वाली प्रोफाइल ओपन होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन जो प्रोफाइल है यहाँ पे अपनी पूरी पर्सनल डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को सिंपली डॉक्यूमेंट वाले पे क्लिक करना है। अब इस पे जैसे ही क्लिक करके यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, ऑथोराइज डॉक्यूमेंट, रिक्वेस्ट टू एड मोर, अपडेट एग्जिस्टिंग पासपोर्ट डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। तो अपने को जो रिक्वेस्ट टू एड मोर, अपडेट एग्जिस्टिंग पासपोर्ट डिटेल, इस पे सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है रिक्वेस्ट फॉर। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपको किस लिए रिक्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड न्यू पासवर्ड, अपडेट एग्जिस्टिंग पासवर्ड। तो यहाँ पे अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है तो आपको उसमें अगर कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपका पासपोर्ट रीन्यू किया हुआ है तो आप ऐड न्यू पासवर्ड पे जाके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू पासवर्ड पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे जस्ट सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ डिटेल मांगेगा, पासपोर्ट नंबर, इश्यू डेट, इश्यू डेट एंड वैलिड डेट। तो ये आपको फिल करना है, तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ ये चारों चीज़ें। और यहाँ पे एक स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट ये यहाँ पे मांगता है, तो ये आपको पहले से सेव करके रखनी है अपनी डिवाइस में। तो यहाँ से मैं ब्राउज करके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, पासपोर्ट का कॉपी ले लिया है। इसके बाद में सबमिट रिक्वेस्ट का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। बट ये क्लिक करने से पहले एक बार आप अपनी जो डिटेल है यहाँ पे फिल की है वो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लें कि वो सारी डिटेल सही है क्या। उसके बाद में आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, योर लास्ट रिक्वेस्ट इज़ अंडर प्रोसेस। तो यहाँ पे आपने जो पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड किया है वो अंडर प्रोसेस है। और यहाँ से आप क्लिक टू व्यू, जो स्कैन कॉपी आपने यहाँ पे सबमिट की है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीफेरर्स जानकारी के साथ। धन्यवाद।